हेलो एवरीवन। सो कंपनी अपनी यहाँ लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड। कंपनी की मार्केट कैपिटल है 6,862 करोड़ की। कंपनी का आरओसी है 1.20%, आरओई है माइनस का 10%, जो काफ़ी ख़राब है आरओई आरओसी दोनों ही कंपनी के। अब कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की हम बात करते हैं तो कंपनी मार्च 2022 तक कंपनी लॉस में थी कंटिन्यूसली, मार्च 2020 से यानी कि 2 साल तक कंपनी लॉस में चली है। एंड कंपनी ने रिजल्ट देना शुरू किया है जून 2022 से। जून 2022 में था 14 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 22 में आया 19 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 22 में आया 49 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखा, मतलब यहाँ प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए दिखे कंपनी के। अगर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के, तो 2020 में था 13 करोड़ का लॉस, 2021 में था 187 करोड़ का लॉस, 2022 में हुआ 137 करोड़ का लॉस। टीटीएम दिखा रहा है 42 करोड़ का प्रॉफिट जो आ सकता है 2023 में उसका प्रॉफिट। ठीक है, बैलेंस शीट में चलें तो कंपनी की बैलेंस शीट देखिए। पहले बात करेंगे बोरोइंग्स की। कंपनी के पास डेप्ट है वो ज़्यादा है, डेप्ट है कंपनी का 2,111 करोड़ का, इसमें रिजर्व बना हुआ है सिर्फ 56 करोड़ का। तो यहाँ पे एक नेगेटिविटी कंपनी में ये है। इसके बाद देखते हैं कैश फ्लो, तो 73 करोड़ का माइनस है कंपनी के पास कैश फ्लो 2022 में। इन्वेस्टर्स की बात करें तो कंपनी यानी कि प्रोमोटर की होल्डिंग बनी हुई है 23.62%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बनी हुई है 26.81%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बनी हुई है 10.14%, पब्लिक की होल्डिंग बनी हुई है 39.35%, अदर्स की है इसमें अदर्स की होल्डिंग बनी हुई है 0.09%। तो होल्डिंग्स में देखा जाए तो होल्डिंग्स ठीक ठाक हैं, इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने पैसा इंक्रीज कर ऐड कर रखा है। और अगर मैं बात करें तो अभी इन्होंने डिक्रीज किया है अपनी होल्डिंग्स को, बट लगा रहता है, मतलब कंपनी इंक्रीज डिक्रीज कंपनी करती रहती है। अब देखते हैं इसमें चार्ट को, तो डेली चार्ट फ्रेम पर लगा हुआ है ये। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक रैली टाइप की बनी एंड यहाँ स्टॉक आ गया। अब यहाँ आने के बाद में इसको हाईलाइट कर देता हूँ इस तरीके से, दोबारा देखते हैं। यहाँ से रैली बनी, ये रेड लाइन बनाई है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे मूव इसका हो गया दिसंबर 22 से। तो अब यहाँ मिला है ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा मिला है। ब्रेकआउट नीचे वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं, ये देख सकते हैं आप। ब्रेकआउट करके कैंडल पर जा चुकी है, बट यहाँ पर भी एक इशू है। यहाँ पे इस जो लास्ट कैंडल बनी है यानी कि जो कल की यानी कि आज की कैंडल बनी है, आज की कैंडल में ना ऊपर शैडो लंबी बन गई है, तो यानी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग हो सकते हैं। पर कैंडल्स नीचे बने हैं, वॉल्यूम्स ये वॉल्यूम से बने हुए हैं, ये वॉल्यूम्स नीचे, ये इसमें ऐसा नहीं बता रहा जो लग रहा है। सो बस यही है, ब्रेकआउट अच्छा है एंड कहीं ना कहीं कंपनी पॉजिटिविटी शो कर रही है। कंपनी में सकता है आने वाला प्रॉफिट कंपनी का अच्छा हो जाए। अब देखते हैं आगे होता क्या है कंपनी में। सो आज के लिए इतना ही, डन फॉर टुडे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।